वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल RS फाइनल डेस्टिनेशन में। और आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ करने जा रहे हैं, तो पॉलिटी हमारा GS में स्टार्ट होने वाला है। राज्य व्यवस्था क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमने इसका तरीका जो रखा है थोड़ा डिफरेंट रखा है। हम कंपैरेटिव स्टडी करके इसमें चलेंगे। कंपैरेटिव स्टडी इन द सेंस के केंद्र में और जो राज्य में जो सरकारें हैं, तो उन दोनों के जो इक्विवेलेंट पद हैं उनको हम साथ में स्टडी करते चलेंगे, जिससे हमें समझने में भी आसानी हो, हम इजीली सारे पॉइंट्स को ग्रेस्प कर पाएँ। तो जैसे कि हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में हमारे जो पद होते हैं वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो महान्यायवादी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये सारे पद जो केंद्र में होते हैं। सिमिलरली राज्य सरकार में भी हमारे जैसे आपका राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, एडवोकेट जनरल हैं, तो इस तरह से ये पद होते हैं जो राज्य सरकार के अधीन होते हैं। और चूंकि हमारी संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था मतलब भारत जो है वो राज्यों का संघ है, और यहाँ पर किसी भी राज्य को अलाउड नहीं है कि वो अपनी मर्जी से स्वैच्छिक प्रकृति प्रवृत्ति से वो इंडिया से अलग हो सके। जैसे कि अमेरिका में क्या है, है तो वो फेडरल संघ, लेकिन वहाँ पर राज्यों को अनुमति है कि वो मतलब खुद से अपनी इच्छा से वो डिवाइड हो सकते हैं या फिर वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। बट भारत के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ पर राज्य जो हैं, राज्यों की स्वैच्छिक इच्छा पर ये निर्भर नहीं करता, क्योंकि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, वो है आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति जो कि केंद्र सरकार में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेन पदाधिकारी होता है, और हालांकि ये जो पदाधिकारी होता है वो नाम मात्र का होता है, ये कार्यकारी प्रधान होता है सरकार का। जबकि राज्य में जो कार्यकारी प्रधान होता है सरकार का वो होता है कौन, राज्यपाल। तो ये आप कंपैरेटिवली याद रखिएगा। सबसे पहले हम यूपी SSSC पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हीं को कवर करेंगे। डिटेल में ये सब्जेक्ट्स बाद में पढ़ाए जाएंगे, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत ले लीजिएगा कि मतलब कि डिटेल में क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो लेकिन हम इतना बताएंगे कि हाँ, जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में, कंपैरेटिव स्टडी। तो बात करते हैं राष्ट्रपति किस कौन से पार्ट में आते हैं, तो वो आते हैं भाग 5 में, और आर्टिकल है इनका 52 से 78 यानी 52 से 78। अगर हम बात करें राज्यपाल की, राज्यपाल ये भाग 5 में आते हैं, राज्यपाल आते हैं भाग 6 में, और इनके जो ये कहाँ से कहाँ तक आते हैं, आर्टिकल 153 से 167। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है निर्वाचन से राष्ट्रपति के। एग्ज़ाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि निर्वाचन जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी कि दोनों सदनों के, दोनों सदन कौन से, हमारे दो सदन हैं राज्यसभा और लोकसभा, तो दोनों सदनों के कौन होते हैं, निर्वाचित सदस्य पहला। दूसरा जो विधानसभा है, यानी राज्य से केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये याद रखिएगा। ऑप्शन में ये भी देता है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, तो विधान परिषद का कोई भी मेंबर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता। तीसरे जो मेंबर होते हैं वो होते हैं दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्य। देखा आपने, यहाँ पर तीनों ही निर्वाचित सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के हों, चाहे वो विधानसभा के हों, या फिर वो दिल्ली और पुडुचेरी के हों, तो तीनों के ही क्या हैं, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो ये आपको याद हो गया। इसमें जो याद रखना है वो ये कि जो विधान परिषद है उसका कोई भी मेंबर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता। दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो चुनाव है वो किस प्रणाली पर बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन आता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो हमेशा उसकी जो सुनवाई होती है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है, क्योंकि राष्ट्रपति भी सर्वोच्च पदाधिकारी है। तो जो यहाँ का मतलब भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी क्या है, सबसे हाईएस्ट बॉडी है
मतलब जुडिशियल बॉडी है, तो जितने भी इससे रिलेटेड विवाद हैं वो कहाँ होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। और ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने की स्थिति में चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो नहीं। अगर निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, मतलब जो उनको निर्वाचित करने वाले ये जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या पूरी नहीं है, तो आप इस केस में आप ये मतलब चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में कि निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का वो रद्द किया जाए। तो ये हो गया। अब साइमल्टेनियसली हम देख लेते हैं राज्यपाल का निर्वाचन, जो कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। तो देखिए, इसमें राज्यपाल के लिए कोई मतलब कोई निर्वाचन नहीं होता, ये डायरेक्टली जो राष्ट्रपति की मोहर लगा आज्ञा पत्र होता है उसके द्वारा इनको देकर अपॉइंट किया जाता है। मनोनीत कौन करता है? जो मनोनीत करता है यानी नॉमिनेट कौन करता है? केंद्र सरकार, मतलब जो सजेस्ट करती है कि आप इस व्यक्ति को, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग, आपने देखा होगा कि बोलते भी हैं कि है ना राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा है कि जो राज्यपाल का पद है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रपति मोहर लगा आज्ञा पत्र देकर केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत, लेकिन अपॉइंट उनको कौन करते हैं ये पूछा जाता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। तो अपॉइंटमेंट उनका राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। और जो राष्ट्रपति, जो राज्यपाल हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। वैसे तो अभी हम बात करते हैं, तो हमने देख लिया निर्वाचन राज्यपाल का और राष्ट्रपति का। अब हम बात करते हैं अर्हता पर कि क्या क्या उनके लिए एलिजिबिलिटी है राष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति के लिए जैसे भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, ये तो हम सभी को पता है, राज्यपाल भी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु उनकी पूरी हो चुकी हो। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये एग्ज़ाम में आता है कि राष्ट्रपति के अर्हता मतलब अर्हता के लिए, उनकी एलिजिबिलिटी के लिए बनने के लिए उनको कौन से सदन का सदस्य होना आवश्यक है, मतलब आवश्यक नहीं लेकिन वो योग्यताएं होनी चाहिए। तो लोकसभा सदस्य की योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब लोकसभा सदस्य वो बन पाएँ, ऐसी अर्हताएं उनके अंदर होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु या उत्तराधिकारी बनने हेतु पात्र हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आता है कि जो उम्मीदवार है उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ये पूछा जाता है कि कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक का उन्हें समर्थन मिलना चाहिए उत्तराधिकारी को, तो 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक। इसके अलावा अगर जितने भी मतलब आपका निर्वाचन है, निर्वाचन में जितने भी टोटल वैलिड वोट हैं यानी कि जो वैध मत हैं, अगर उनका 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है उम्मीदवार जो भी राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो रहा है, तो उसकी जितनी भी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जमानत राशि कुछ जमा कराई जाती है, तो जितनी भी उनकी जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है। तो ये याद रखिएगा कि 1/6 मत प्राप्त होना ज़रूरी है टोटल वैलिड वोट का। इसके अलावा क्या राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में एक राष्ट्रपति केवल दो ही बार निर्वाचित हो सकते हैं, यहाँ पर कितने भी बार हो सकते हैं। राज्यपाल की अगर हम बात करें साथ ही, तो राज्यपाल के अर्हता होने के लिए क्या, भारत का नागरिक, 35 वर्ष उसकी आयु, लेकिन यहाँ पर जैसे ये था कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए उनमें आवश्यक योग्यताएँ होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है। उनके लिए यह है ना तो वो संसद सदस्य हो और ना ही किसी विधानमंडल का सदस्य हो, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक राज्यपाल जो है वो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक राज्यपाल क्या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। और ये करा गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के द्वारा कि एक राज्यपाल जो है दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसके अलावा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो दिल्ली और पुडुचेरी, ये जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के, वो पार्ट लेते हैं, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू करा गया था? 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इसके अलावा
पदावधि अगर हम बात करें राष्ट्रपति की पदावधि की तो कितनी होती है, 5 वर्ष, लेकिन राज्यपाल की पदावधि के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, ना ही संविधान में दिया गया है कि राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि जो जब भी हर सरकार चेंज होती है तो वो क्या करती है, नया राज्यपाल, ये परंपरागत रूप से है कि नया राज्यपाल वो अपना जो भी नई सरकार आती है वो नियुक्त करती है। और राज्यपाल हमेशा क्या है, पी मतलब यहाँ पर दिखाया गया है प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो 5 साल के लिए यह, लेकिन संवैधानिक रूप से ये 5 साल लिखा नहीं है संविधान में, इसमें आपका दे रखा है पदावधि राष्ट्रपति की 5 वर्ष। अब अगर हम बात करें महाभियोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभियोग आता है आपका आर्टिकल 61, आपसे पूछ सकता है कि महाभियोग कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए महाभियोग का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को आप कैसे हटा सकते हो उनके पद से, तो केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। महाभियोग भी आप केवल कब लगा सकते हो, संविधान का उल्लंघन करने पर, यानी कि यदि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तभी आप उन पर महाभियोग लगा सकते हो। लेकिन क्या संविधान का उल्लंघन वर्ड संविधान में डिफाइंड है, तो वो डिफाइंड नहीं है, उसको बताया नहीं गया है कि संविधान का उल्लंघन किसे माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाभियोग की, तो क्या इसमें एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो कौन से सदन में लाया जाता है, कि लोकसभा में या राज्यसभा में, तो ऐसा कुछ नहीं है, महाभियोग का प्रस्ताव आप किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन 1/4 सदस्यों से उसका हस्ताक्षरित होना आवश्यक है, यानी कि उनको अनुमति, उस प्रस्ताव को जो आप महाभियोग का प्रस्ताव लाए हो उनका 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। और 14 दिन के नोटिस, मतलब 14 दिन के पूर्व नोटिस देकर ही आप ये प्रस्ताव ला सकते हो, यानी राष्ट्रपति को आपको बताना पड़ेगा कि 14 दिन पूर्व कि हम महाभियोग का प्रस्ताव लाने वाले हैं आपके लिए, आपके खिलाफ, ठीक है। इसके अलावा दोनों ही सदनों से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि क्या एक ही सदन से, नहीं, दोनों सदनों से, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से अलग अलग प्रस्ताव का पारित होना आवश्यक है। और कितनी मेजॉरिटी से, 2/3, यानी कि इसको हम बोलते हैं विशेष बहुमत, तो इस मेजॉरिटी से पारित होना आवश्यक है राष्ट्रपति का प्रस्ताव। इसके अलावा जो महाभियोग का प्रस्ताव है, इसके अलावा अब आप एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो राष्ट्रपति का निष्कासन है या जो महाभियोग है, तो या राष्ट्रपति जो है वो जो उनकी प्रक्रिया है पूरी, वो अर्धन्यायिक है या न्यायिक है, तो ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक क्यों है, अर्धन्यायिक इसलिए है क्योंकि अगर आप देखो तो निर्वाचन में तो विधानसभा के मेंबर पार्ट ले रहे हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया है, ठीक है, लेकिन जब उनके हटाने की बारी आती है तो हटाने की बारी में आपका विधानसभा और जो दिल्ली पुडुचेरी जो हमने विधानसभा ली थी उनके मेंबर्स भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति जो भी, जैसे लोकसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में भी सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो जो मनोनीत सदस्य हैं, आपने देखा यहाँ पर मनोनीत सदस्यों ने भाग नहीं लिया है, केवल निर्वाचित सदस्यों ने लिया, जबकि जब हटाते हैं उनको महाभियोग में तो नामांकित सदस्य भी उसमें भाग लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वासी जुडिशियल हुई, पूरी तरह से न्याय हुआ नहीं, क्योंकि जिन्होंने उनको बैठाया था राष्ट्रपति के पद पर वो उन्हें हटा नहीं रहे हैं, कुछ कोई और सदस्य भी उनको हटा रहे हैं, कौन कौन, नॉमिनेटेड मेंबर भी इसमें होते हैं और विधानसभा और दिल्ली पुडुचेरी के जो सदस्य जिन्होंने भाग लिया था वो नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको जो राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है हटाने की वो क्या है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं पदरिक्त, इनका तो आपको पता ही है, राज्यपाल क्या, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, तो और परंपरागत रूप से ये हर सरकार जब भी 5 साल में आती है तो ये परंपरा बन गई है कि वो अपना नया राज्यपाल क्या करती हैं, मनोनीत करती हैं और राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करते हैं। अब पदरिक्तता की बात करें तो अगर राष्ट्रपति का टेन्योर ख़त्म हो गया है, टेन्योर कितना है, 5 साल का, अगर वो पूरा हो गया है तो पूरे होने से, मतलब जो आपका टेन्योर है, जो उसका अवधि है वो पूरी होने से 6 महीने पहले राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया या चुनाव होने आवश्यक हैं। ये याद रखिएगा कि उस जो भी एंड डेट है,
ठीक है, उससे 6 महीने पहले क्या होनी चाहिए, 6 महीने पहले जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी होनी चाहिए, यदि अगर टेन्योर ख़त्म होने वाला है। लेकिन अगर जो राष्ट्रपति हैं उनकी किसी कारण उनकी मृत्यु हो गई है, या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, या उन्हें किसी कारण या महाभियोग उन पर लग गया, या किसी कारण उनको हटा दिया गया है, उस केवल उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, केवल उस केस में। अगर टेन्योर कंप्लीट हो रहा है और टेन्योर कंप्लीट हो रहा है तब उस केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य नहीं करेंगे। लेकिन उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 महीने पहले आपको चुनाव पूर्ण करवाने होंगे। लेकिन अगर सडनली डेथ हो जाती है, रिज़ाइन दे देते हैं, या फिर उनको निकाल दिया जाता है, या फिर वो अनुपस्थित हैं किसी कारण से, बीमारी से या कोई और वजह है, तो उस केस में कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? वाइस प्रेसिडेंट। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति भी ना हो तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ लिख रखा है, अगर वो अनुपस्थित हैं तो वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश भी यदि अपने पद पर नहीं है, वो भी किसी कारण से छुट्टी पर हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम जज है वो क्या करेगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब तक। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा अगर राज्यपाल के केस में अगर हम यही बात करें कि राज्यपाल, तो राज्यपाल का यदि निधन हो जाता है तो उस केस में कौन करेगा? जैसे इधर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश करते थे, यहाँ पर कौन होगा? हाईएस्ट बॉडी हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो क्या करेंगे? राज्यपाल के तौर पर कार्य करेंगे। इसके अलावा आप शपथ भी पूछा जाता है, जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जो हाई कोर्ट है, क्योंकि हम कंपैरेटिवली पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर। ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर क्या केवल राष्ट्रपति के पास है? नहीं, राष्ट्रपति के पास भी है और राज्यपाल के पास भी है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो है आर्टिकल 123। तो यहाँ से दो आर्टिकल आपको पता लगे, एक तो महाभियोग वाला इम्पॉर्टेंट और एक आर्टिकल 123 जो कि है अध्यादेश का। तो जो अध्यादेश है क्या उसकी मतलब उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है क्या सुप्रीम कोर्ट खुद ये संज्ञान ले सकता है कि जो भी अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया है उसको देखा जाए, उसको चेक किया जाए कि उन्होंने सही किया है या नहीं किया है? तो हाँ, ले सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, लेकिन केवल एक ही बेसिस होता है। कौन सा बेसिस? असद्भाव के आधार पर। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने असद्भाव के आधार पर कोई अध्यादेश अपने आप निकाल दिया है, स्वैच्छिक अपनी मर्जी से निकाल दिया है, तभी केवल वो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो इसलिए अध्यादेश जो है वो स्वैच्छिक प्रकृति का नहीं है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अध्यादेश स्वैच्छिक प्रकृति का है? नहीं, स्वैच्छिक प्रकृति मतलब कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई भी अध्यादेश नहीं जारी कर सकता, ठीक है, कि भाई ऐसे तो फिर वो उसका जो मन करेगा वो अध्यादेश जारी कर देगा, तो स्वैच्छिक प्रकृति का नहीं है। दूसरा एक इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, एक तो आर्टिकल 123 अध्यादेश के लिए, दूसरा कि जब आपका अध्यादेश जारी हो, अध्यादेश कब जारी हो सकता है? अध्यादेश केवल तभी जारी हो सकता है जब या तो दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, या फिर दोनों में से कोई एक सदन किस में ना हो? वर्किंग में ना हो। मतलब कि अगर वो सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है, या तो दोनों की या फिर केवल एक सदन की, तो तभी अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। और अध्यादेश को की जो मैक्सिमम अवधि होती है, मतलब वो कब तक वैलिड रहता है, तो मैक्सिमम अवधि उसकी होती है 6 महीने, यानी 6 महीने तक ही वो वैलिड रहेगा। अब देखिए इसमें भी वो होता है कि एक तो होता है 1.5 माह, एक 1.5 माह, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज़ आपने अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी कर दिया, तो अगर उसने अध्यादेश जारी कर दिया है तो और कोई भी दोनों, या तो दोनों सदन नहीं है वर्किंग में या फिर एक सदन नहीं है, तो जब भी संसद की पुनः बैठक होगी
तो उस पुनः बैठक होने पर 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको वो जो अध्यादेश है वो सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कितने महीने के अंदर? 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि नॉर्मली जो सदन जो सेशन होते हैं हमारे वो 3 महीने के होते हैं, 3-3 महीने के होते हैं, और दोनों सेशंस में जो डिफरेंस होता है वो 6 महीने का होता है। तो 1.5 महीने के अंदर आपको वो अध्यादेश जो है वो कहाँ रखना होगा? संसद के समक्ष रखना होगा। अगर संसद उसे पास कर देती है तब तो वो बिल बन जाता है, और अगर नहीं करती है तो वो क्या होता है, वो लैप्स हो जाता है, यानी वो अध्यादेश जो है उसके बाद वो एंड हो जाता है। और यदि मान लीजिए कि संसद ने उसको अस्वीकार कर दिया है, या फिर उसकी संसद की दूसरी बार क्या हुई है, पुनः बैठक हुई है, तो उसमें भी उसने क्या कर दिया है, अस्वीकार कर दिया, तो 1.5 महीने बाद वो एंड हो जाता है। और मैक्सिमम अवधि जो होती है अध्यादेश की वो 6 महीने तक होती है। तो इस तरह से ही हमने देखा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि कभी भी अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन के लिए नहीं लाया जा सकता। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या अध्यादेश को संवैधानिक संशोधन के लिए लाया जा सकता है? नहीं, संविधान में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को कभी नहीं लाया जा सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपको याद रखना है। इसमें आर्टिकल 61 जो कि महाभियोग है, अध्यादेश आर्टिकल 123, और एक ये कि निर्वाचन में कौन कौन पार्ट लेता है, मैंने बताया केवल निर्वाचित सदस्य, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है यानी अर्धन्यायिक प्रक्रिया है क्योंकि मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और जो विधानसभा और दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। अब हम आगे बात करते हैं इनके कार्यकारी शक्तियों की। हम बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ पाँच तरीके से वो क्षमादान दे सकते हैं। कौन कौन से हम देख लेते हैं। क्षमादान सबसे पहले जो आता है वो कौन से आर्टिकल में आता है, वो आर्टिकल है 72, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वो उनकी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आती है। अभी हम आपको शक्तियों के बारे में बताएंगे तब आपको पता लगेगा कार्यकारी शक्तियाँ कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जो आपसे एग्जाम्स में ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रपति की परिहार की शक्ति है वो कैसे, या ये पूछ लिया जाएगा कि अगर दंड स्वरूप कम करे राष्ट्रपति तो वो कौन सी क्षमादान की शक्ति होगी। तो आपको ये उसका डिटेल वर्जन देगा और आपको उसका जो सिंगल वर्ड है वो बताना है। तो जैसे अगर जो 5 तरह के जो क्षमादान है वो हम देख लेते हैं। पहला जो है वो है पूर्णता मुक्त, यानी कि अगर सपोज किसी को कोई भी सज़ा दी है कोर्ट ने तो वो राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो उस सज़ा को पूर्णता मुक्त कर सकता है। मतलब कि अगर मृत्युदंड दिया है तो मृत्युदंड को वो क्षमा कर सकता है, आजीवन कारावास दिया है तो आजीवन कारावास को वो पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। तो जो पूर्णता मुक्त करने की जो उसकी शक्ति है, क्षमा देने की जो शक्ति है उसको हम बोलते हैं क्षमादान, क्षमा की शक्ति, ठीक है। तो ये पहला जो क्षमादान है वो इस तरीके से होता है। दूसरा जो है अगर वो दंड के स्वरूप को कम कर दे, दूसरा जो क्षमादान की वो है शक्ति वो है लघुकरण, यानी कि दंड स्वरूप को लघुकरण, मतलब कि सजा को छोटा, इसके नाम से ही पता लग रहा है, लघुकरण सजा को छोटा कर देना, तो दंड स्वरूप को कम कर देना। सपोज आपका किसी को दिया आजीवन कठोर कारावास दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने या कोई सी भी कोर्ट ने दंड का स्वरूप उसका, तो हमको क्या करना है, लघुकरण, जो राष्ट्रपति क्या करेंगे आजीवन कारावास को क्या कर देंगे कि सपोज 10 साल में कर दिया, 10 साल के लिए उसकी सज़ा कम कर दिया, 7 साल में कन्वर्ट कर दी, तो ये क्या है, दंड का स्वरूप कम कर देना, मतलब सज़ा को कम कर देना, ये लघुकरण में आता है। इसके अलावा एक होता है परिहार। परिहार क्या होता है कि दंड की प्रकृति में चेंज किए बिना, कि सपोज उसको वो किसी भी जो अपराधी है उसको दिया है आजीवन कठोर कारावास 10 साल के लिए या 20 साल के लिए, तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, मतलब एक क्रॉस लिखा रखा है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना अवधि को कम कर देना, यानी कि अगर किसी को 20 साल की सज़ा मिली है तो उसको 10 साल में कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, या 7 साल में कर देना, तो स्वरूप तो वही रहा कि मतलब सज़ा की प्रकृति वही रही लेकिन उसको क्या कर दिया, उसकी अवधि कम कर दी गई, ये आता है आपका परिहार, इसको बोलते हैं परिहार। एक होता है विराम। विराम क्या होता है, विराम से जैसे समझ में आ रहा है कि ऐसी ही राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति है जिसमें राष्ट्रपति विराम लगा देता है सजा पर, मतलब रोक लगा देता है, लेकिन ये जो रोक लगाई जाती है वो केवल विशेष परिस्थितियों में लगाई जाती है। जैसे सपोज कोई महिला अपराधी हैं वो गर्भावस्था में है, या फिर कोई किसी को बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है, तो
विशेष परिस्थितियां हुई, तो विशेष परिस्थितियों में क्या किया जाता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा की शक्ति है उसको हम बोलते हैं विराम, ठीक है, कि सजा पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा एक होता है प्राविलंबन, ये भी क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। प्राविलंबन में क्या करते हैं राष्ट्रपति कि अस्थाई, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, प्राविलंबन मतलब कि विलंब कर देना, अस्थाई रोक लगा देना। जैसे अगर किसी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की राष्ट्रपति जी के पास जाकर, महोदय के पास जाकर, तो वो क्या करते हैं, वो अस्थाई रोक लगा देते हैं, वो ख़त्म नहीं करते, वो पूर्णता मुक्त नहीं करते, क्योंकि अगर पूर्णता मुक्त करेंगे तो वो पहले वाले समाधान की शक्ति में आ जाएगी क्षमा में। लेकिन अस्थायी रूप से रोक लगा देना कि जैसे अभी इनकी सजा स्टार्ट ना होकर 10 साल बाद होगी या 5 साल बाद होगी या 2 साल बाद होगी, तो वो जो होती है वो प्राविलंबन शक्ति के अंतर्गत आता है क्षमादान। तो ये जो क्षमादान की शक्ति है, यही सेम अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल को भी क्षमादान की पावर है, और उनको किस में है, उनको है आर्टिकल 161 में, इनमें इनको थी आर्टिकल 72 में, इनको है 161 में राज्यपाल को। अब राज्यपाल को देखिए, राज्यपाल के पास भी पांचों ही क्षमादान की शक्तियाँ हैं, एक्सेप्ट किसके, मृत्युदंड के, यानी कि राज्यपाल केवल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते, इसके अलावा वो पहला यानी कि वो पूर्णतः मुक्त भी कर सकते हैं, ठीक है, बस मृत्युदंड को छोड़कर, ये याद रखिएगा, पूर्णतः मुक्त भी कर सकते हैं, कोई भी सज़ा हो, आजीवन कारावास हो या कठोर कारावास हो, कुछ भी हो, वो सज़ा की अवधि को कम कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, सज़ा की प्रकृति में चेंज किए बिना अवधि को कम कर सकते हैं, दंड के स्वरूप को कम कर सकते हैं। इसके अलावा विराम का के भी उनके पास है और प्राविलंबन भी उनके पास है, लेकिन क्या नहीं है, ये याद रखिएगा, केवल मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। तो ये तो हुई क्षमादान की। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कोर्ट मार्शल होता है, कोर्ट मार्शल किसके द्वारा किया जाता है, जो सैन्य अदालत होती हैं, तो सैन्य अदालत के द्वारा जो दी गई सज़ा होती हैं उनको माफ़ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है या बदला भी जा सकता है, वो कौन कर सकता है, वो केवल राष्ट्रपति कर सकता है, ये अधिकार राज्यपाल को नहीं है, ये याद रखिएगा। तो राज्यपाल को क्षमादान की वैसे सभी शक्तियां प्राप्त हैं, एक्सेप्ट मृत्युदंड, कि वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता यदि किसी अदालत के द्वारा मृत्युदंड किसी को दिया गया है, और दूसरा जो सैन्य अदालत के द्वारा जो दी गई सजाएँ हैं उनको माफ़ नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं वीटो पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। वीटो पावर जो है वो आता है आर्टिकल 111 के अंतर्गत। इसके अलावा हमारे यहाँ इंडिया में 3 वीटो पावर मेनली बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक तो है आत्यंतिक, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट आत्यंतिक को, ये है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी को बोलते हैं सस्पेंशन वीटो, और थर्ड है जेबी वीटो, जेबी मतलब जेब से निकला हुआ, जेब से इसका वर्ड निकला हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। पहले हम बात कर लेते हैं आत्यंतिक वीटो की। आत्यंतिक वीटो कौन सा होता है, जैसे सपोज कोई विधेयक आया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं उस विधेयक पर, उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो उसको स्वीकृति दे दें, जो भी विधेयक सदनों के द्वारा पेश किया गया तो उनको स्वीकृति दे दें, स्वीकृति यदि दे दी तो वो अधिनियम बन जाएगा यानी बिल बन जाएगा। दूसरा उनके पास क्या होता है, उसको अस्वीकृत कर दें, अगर अस्वीकृत कर दिया तो वो रद्द हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तीसरा उनके पास क्या होता है कि वो अपने पास सुरक्षित रख ले, अपने पास सुरक्षित वो 3 तरीके से रख सकते हैं, ये उनकी पावर्स होती हैं। देखिए अगर उन्होंने अपने पास सुरक्षित रख लिया और उस पर, ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया, अपने पास सुरक्षित रख लिया, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कहाँ किया गया था या कब किया गया था, तो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग जो किया गया था वो किया गया था पेप्सू 1954 में, जो पेप्सू अधिनियम था पंजाब में लागू हुआ था, तो पेप्सू अधिनियम के दौरान ये आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। और उस टाइम पर आपसे ये पूछ लेता है कि उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, तो उस टाइम पर जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना है कि जब पेप्सू पर सबसे पहले जो एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ हुआ था वो किस पर हुआ था, पेप्सू पर, जो विनियोग विधेयक था 1954 में, राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो जो है इसका मतलब होता है सस्पेंशन वीटो। ये एक ऐसा वीटो है कि जैसे सपोज राष्ट्रपति के पास विधेयक आया, उन्होंने क्या करा, उनको उसको स्वीकृति नहीं देनी, तो उन्होंने पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस लौटा दिया। अब अगर उन्होंने पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस लौटा दिया और सदनों के ऊपर है कि वो उसमें हो सकता है कुछ संशोधन करके दोबारा से क्या करें, उसको
राष्ट्रपति के पास भेजें, तो उस केस में क्या करते हैं कि जो सदन होते हैं वो साधारण बहुमत से उसको सस्पेंड कर सकते हैं उस विधेयक को। उसमें केवल उसमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती, आप साधारण बहुमत से उसको सस्पेंड कर सकते हो। लेकिन इसमें ये ध्यान रखा जाए कि मनी बिल यानी जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को लौटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती। और धन विधेयक, ये हम अलग से पढ़ेंगे, जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कभी भी सदन में पेश नहीं किया जाता। यानी धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। और धन विधेयक पर साइन करना या उस पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। यानी कि वो उस धन विधेयक के केस में वो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। यानी कि वो ये नहीं कर सकता कि वो भेज दे दोबारा से सदन के पास वापस, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आता है वो है जेबी वीटो। ये इम्पॉर्टेंट है। जेबी वीटो वो वीटो होता है, पॉकेट वीटो इसको बोलते हैं, जब राष्ट्रपति जो भी उनके पास विधेयक भेजा गया है उनको अनिश्चित समय के लिए अपने पास रख लेते हैं और उस पर कोई निर्णय नहीं देते। मतलब वो पॉकेट कहते हैं ना कि अपने पॉकेट में रख के भूल गया, इसको हम ये ऐसे ही बोलते हैं, पॉकेट में रख के भूल जाते हैं राष्ट्रपति जी। तो उनको ये मतलब उसमें ये जो इनका उस पर कोई ना निर्णय देने का जो अधिकार, मतलब उस पर उनकी इसकी कोई समयावधि नहीं होती, तो अपने पॉकेट में रख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं जेबी वीटो। और ये इसमें पूछा ये जाता है कि इसमें जो सबसे पहले जो जेबी वीटो प्रयोग किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो वो किया गया था इंडिया पोस्ट अमेंडमेंट एक्ट जो अधिनियम था 1986। तो आपसे ये पूछा जाता है कि एक तो आत्यंतक वीटो का सबसे पहले प्रयोग तो पेप्सू में, और जेबी वीटो का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ है, वो हुआ है इंडिया पोस्ट अमेंडमेंट एक्ट 1986। उस टाइम पर ये भी पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट कौन थे, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह। यहाँ से आपको चार क्वेश्चन मिल गए, प्रेसिडेंट, पेप्सू, ज्ञानी जैल सिंह यहाँ पर, और जेबी वीटो में इंडिया पोस्ट अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि कभी भी वीटो पावर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल होता है उसमें यूज़ नहीं की जा सकती राष्ट्रपति के द्वारा। यानी संवैधानिक ये सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम कोई अगर है या विधेयक है, तो बिल है अगर, तो आप उस पर क्या नहीं कर सकते, राष्ट्रपति वीटो पावर का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम राज्यपाल की वीटो पावर की बात करें तो राज्यपाल के पास कौन सी वीटो पावर है, देखिए उनके पास क्या अधिकार होता है। राज्यपाल के पास कोई भी राज्य विधायिका के द्वारा कोई भी अगर बिल लाया गया तो या तो वो उनको स्वीकृत कर सकता है या फिर अस्वीकृत कर सकता है, तो रद्द हो जाएगा, और या फिर वो क्या कर सकते हैं कि वो अपने पास राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, कि मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कि अगर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है तो वो स्वीकृत कर मतलब अपने पास रख सकते हैं राज्यपाल। तो वीटो पावर कौन सी है, केवल निलंबनकारी वीटो किसके पास होती है, राज्यपाल के पास, क्योंकि राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो का कोई मतलब नहीं बनता। पॉकेट वीटो किसके पास होती है, केवल राष्ट्रपति के पास, जिसमें अनिश्चित काल तक वो अपने पास विधेयक को रख लेते हैं। और जो आत्यंतिक वीटो है ये भी राज्यपाल के पास नहीं होता, कौन सा होता है, निलंबनकारी वीटो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ शक्तियों की, जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। देखिए इन शक्तियों में से केवल पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी कि कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक, यही शक्तियां केवल राज्यपाल के पास हैं, ठीक है। तो राज्यपाल के, राष्ट्रपति के पास 7 शक्तियां हैं, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन। कार्यकारी शक्तियों का मतलब क्या है, कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब जैसे प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट है, या फिर जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, उनको नियुक्त करना है, या फिर मंत्रियों की नियुक्ति करनी है, या फिर जो आपका महाधिवक्ता होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या महालेखा परीक्षक है, उन सब की जो नियुक्तियाँ होती हैं वो सभी जो है कार्यकारी शक्तियों में आती है। किसकी, या आपसे ऐसे करके पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस में आती है, कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति, तो आप बता दोगे क्षमादान की शक्ति कैसी बताई, कार्यकारी शक्ति, या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट करना कौन सी शक्ति है, कार्यकारी। अब हम बात कर लेते हैं विधायी शक्तियों की। विधायी मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स। विधायी शक्तियाँ वो शक्तियाँ जैसे राष्ट्रपति के द्वारा
आपका जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है दोनों सदनों की, ज्वाइंट सिटिंग जिसको हम बोलते हैं, ज्वाइंट सिटिंग, या फिर लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन, जो जैसे लोकसभा में आपको दो सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं और राज्यसभा में एक सदस्य को नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो जो ये सब जो नामांकन होता है ये विधायी शक्तियों में आ गई, ये आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी शक्ति है। अब मनी बिल और फाइन, जैसे अब धन विधेयक की बात करो, जैसे धन विधेयक में कुछ कभी भी पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के आप धन विधेयक को पेश नहीं कर सकते सदन के अंदर। तो जो धन विधेयक है और जो वित्त जो आयोग है उसके गठन, उसका जो गठन है वो कौन सी शक्ति है, वो है वित्तीय शक्ति, नाम से ही पता लग रहा है, फाइनेंशियल। इसके अलावा न्यायिक शक्ति में कौन से आते हैं, न्यायिक शक्ति में आ जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजों की नियुक्ति करना, ठीक है, ये सब जो आते हैं ये इनके, जैसे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, तो ये किस में आ गए, ये आपके न्यायिक में। सेम यही प्रोसीजर, ये चार जो हैं ये आते हैं आपके सेम राज्यपाल की शक्तियां भी हैं, बस इसमें क्या होता है ये सेंटर के जो पद हैं ये इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और जो राज्यपाल होते हैं वो स्टेट के लिए करते हैं। स्टेट में कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे और स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होगा, जो एडवोकेट जनरल होगा, ठीक है, पहला हो गया कार्यकारी। विधायी में आपका क्या होगा, जैसे ज्वाइंट सिटिंग जो विधानमंडल के लिए बुलाई जाती है, या फिर जो विधानसभा और विधान परिषद में जो नॉमिनेशन होता है, ठीक है। वित्तीय में क्या हो गया, मनी बिल जैसे सेम उसमें। तो ये सारी शक्तियाँ, चार शक्तियाँ स्टार्टिंग की राज्यपाल के पास भी हैं। अब हम बात करते हैं कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन। तो कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन। कूटनीतिक में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर जो जितनी भी संधियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर युक्त, उस पर हस्ताक्षर होते हैं, मोहर होती है। और इसके अलावा जो उच्चायुक्त होते हैं या जो एम्बेसडर्स हैं, ये जो हाई कमिश्नर्स हैं, उनका स्वागत भी किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये कूटनीतिक शक्तियों में आती हैं। इसके अलावा सैन्य शक्तियों में आपको पता है जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति, जो सर्वोच्च प्रमुख होता है तीनों सेनाओं का, कमांडर जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो ये सैन्य शक्ति हो गई। इसके अलावा आपातकालीन शक्तियाँ तीन हैं राष्ट्रपति की, वो हैं आपका एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राष्ट्रपति शासन और एक है वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों जो हैं ये इमरजेंसी, जब हम पढ़ेंगे पूरा तो डिटेल में हम इनको तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो आता है आर्टिकल 352 में, राष्ट्रपति शासन आता है आर्टिकल 356 और 365 में, और वित्तीय आपातकाल जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो आता है आर्टिकल 360 में। इसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो ये, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से प्रेसिडेंट हैं जो दो बार इलेक्ट हुए हैं, तो केवल एक राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी नियुक्ति एज अ प्रेसिडेंट दो बार हुई है। और एक ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो निर्विरोध, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया था, तो वो हैं आपके नीलिमा संजीव रेड्डी। तो इस प्रकार हमने आज जो देखा वो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करके देखा, हमने कोशिश यही की है कि आपको कंपैरिजन में समझ में आए, और इन दोनों ही टॉपिक से जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबी हो रही है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।